नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टेक ड्रोन हिंदी में। तो यार, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है उन सभी मोबाइल यूजर के लिए जो कि एंड्रॉयड फ़ोन को स्पेशली यूज़ करते हैं। अगर जो आपका फ़ोन धीरे चलता है, हैंग होता है, तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल है। इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे टिप्स ट्रिक में बताऊंगा जिससे कि आप अपने फ़ोन को काफ़ी हद तक फास्ट कर पाओगे और उसे अच्छे से यूज़ कर पाओगे। हमारे फ़ोन में बहुत सारी ऐसी सेटिंग्स होती है जिससे कि अगर हम मेंटेनेंस करके चलेंगे तो फ़ोन में जो हैंगिंग वाला इशू होता है ये सब आपके फ़ोन में नहीं होगा। तो आप वीडियो को ए टू जेड देखना यार, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जान पाएंगे और वो भी अपने फ़ोन का जो ये इशू है हैंगिंग वाला, या फिर फ़ोन को कैसे फास्ट करना है वो भी जान पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर जो आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ जो हमारा दूसरा चैनल रहेगा उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोगों को पता चले। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें मोबाइल हैंगिंग सॉल्यूशन, या तो जो आपको अच्छा लगे। तो सबसे पहली बात, अपने फ़ोन के आपको सेटिंग में जाना है। फ़ोन के सेटिंग में जाने के बाद अगर जो आपका फ़ोन हैंग करता है या फिर हीटिंग इशू है, तो आपको अपने फ़ोन के बैटरी को सबसे पहले मैनेज करना है। जब अपने फ़ोन के बैटरी सेक्शन में जाते हो तो आपको मिल जाएगा कुछ स्मार्ट पावर सेवर, या फिर अगर आप कोई अदर फ़ोन यूज़ करते हो तो सभी फ़ोन में अलग अलग तरीके का सेटिंग रहता है। जैसे किसी में रहता है AI पावर सेटिंग, किसी में रहता है बैटरी इंप्रूव, तो आपको उसे ऑन कर देना है। और उसके बाद हुआ क्या, फ़ोन ऑटोमेटिकली मैनेज करता है बैकग्राउंड को, प्रोसेस को बंद करता है। और कहीं ना कहीं आप मानो या ना मानो, फ़ोन का हैंग करना और हीटिंग करना, फ़ोन गर्म होना, कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटिव है यार। आप नोटिस करना, जब आपका फ़ोन जब हैंग करता है तो उस टाइम देखना आपका फ़ोन धीरे धीरे हीट भी होगा, या तो जब आपका फ़ोन हीट करेगा तो उसी टाइम आपका फ़ोन हैंग करता है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इस तरीके से अगर आप उस सेटिंग को फॉलो कर लेते हो तो आप अपने फ़ोन के हीटिंग को भी कम कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो, और अपने फ़ोन का जो हैंगिंग प्रॉब्लम है उसे भी ठीक कर सकते हो। दूसरा जो हमारा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सेटिंग है वो आपको सर्च करना है लोकेशन। जैसे देखिए, मैंने लोकेशन सर्च किया तो लोकेशन सर्च करने के बाद ये लोकेशन आपका बंद होगा। तो बंद होगा तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करूंगा आपको लो पावर कंजप्शन पे से सेट कर देना है। जैसे देखिए, मैंने अभी ऑन कर दिया क्योंकि मेरा तो ऐसे ऑफ था, लेकिन मैंने ऑन किया आपको दिखाने के लिए। अगर आपका ऑन है तो सबसे पहले उसको लो पावर कंजप्शन पे आपको सिलेक्ट कर देना है, उसके बाद इसे ऑन नहीं रखना है, इसे आपको बंद कर देना है। ये आपने लो पावर कंजप्शन जो किया, इससे फ़ायदा क्या होगा, गलती से भी अगर कभी ऑन होता है लोकेशन तो आपका उतना ज़्यादा बैटरी ड्रेन नहीं करेगा। लो पावर कंजप्शन पे ये आपका बैटरी लेगा तो ऑब्वियसली फ़ोन हैंग नहीं करेगा और बैटरी भी सेव होगा, साथ ही साथ फ़ोन भी हीट नहीं होगा। तो इसलिए आपको इसे बंद ही रखना है लोकेशन को। और यहाँ पर जो आखिरी में आपको यूजफुल ट्रिक मैं बताऊँगा, वो जब आपका फ़ोन हैंग करे, हीट करे, तो आपको बहुत ज़्यादा जब हो जाता है, बहुत ज़्यादा हीट वगैरह कर रहा है या हैंग कर रहा है हद से ज़्यादा, तो सबसे पहला काम आपको अपने फ़ोन को बंद कर देना है। बंद कर देंगे 5 मिनट या 2 मिनट के लिए, या अगर 10 मिनट देंगे तो और अच्छी बात, नहीं तो 5 मिनट काफ़ी है। बस सब सिस्टम बंद होना चाहिए। आप सिंपली नॉर्मली सोचिए, अगर आपका सिस्टम बंद होगा तो जो भी फ़ोन में प्रोसेस होते रहेगा ऑब्वियसली वो प्रोसेस ख़त्म होगा। और वो प्रोसेस जब ख़त्म होगा और जब अपने फ़ोन को फिर से ऑन करेंगे तो अब आपका फ़ोन नॉर्मल हो चुका है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपका फ़ोन भी फास्ट होगा, और मतलब नॉर्मल पहले के मुकाबले फास्ट चलेगा, और फ़ोन में जो हीटिंग प्रॉब्लम रहेगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। ये प्रैक्टिकल ट्रिक है, कोई फालतू बकवास नहीं है, इसलिए आपको इसे भी फॉलो करना है। साथ ही साथ आपको ही नहीं फॉलो करना है इस वीडियो को अभी आपको शेयर करना है सबके साथ, ताकि और भी लोगों का प्रॉब्लम ठीक हो सके और वो भी ट्रिक्स वगैरह जान पाए। और आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वैसे मेरा नाम संदीप है और मैं ऐसी वीडियो बनाते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।